महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं को खास तौर पर लुभाने की कोशिश की है। संकल्प पत्र में वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न दिए जाने का वायदा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने सभी शहीद परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था, 2022 तक सभी परिवारों को पीने का शुद्ध पानी, अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार, राज्य को सूखा मुक्त करने, किसानों को 12 घंटे बिजली देने और महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने, सभी जिलों में अटल विज्ञान केंद्र और योगा केंद्र खोलने और 2020 तक अंबेडकर स्मारक का काम पूरा करने का भी वायदा किया है। हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने इसकी अनुशंसा की है, हम केंद्र सरकार के पास जाकर इसका फॉलोअप महाराष्ट्र सरकार करेगी और मुझे विश्वास है हम अगर फॉलोअप करेंगे निश्चित रूप से होगा। इस संकल्प पत्र में हमने उसका समावेश किया है। इस संकल्प पत्र को देखेंगे तो इसकी कमिटमेंट इस प्रकार से बनती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अंत्योदय के प्रिंसिपल को लेकर के अंतिम व्यक्ति को हम फोकस करते हुए सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए हमारा ये संकल्प पत्र है। इसमें इट्स मल्टी डायमेंशनल, इट रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट,